सब्सक्राइब कीजिए ईडब्ल्यू नेटवर्क और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर भाजपा ने नगर सेविका लीनागढ़ जो है उन पर निलंबन की कार्रवाई की है, मगर यह निलंबन पार्टी ने नहीं तो ठाकुर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड ने किया है, ऐसा सीधा आरोप लीनागढ़ ने किया है। और इन्हीं आरोपों का खंडन करने के लिए इस वक्त हमारे साथ भाजपा के विधायक प्रशांत ठाकुर मौजूद हैं। सर, जिस तरह से आरोप लीनागढ़ इन्होंने किया है कि निलंबन यह है पार्टी या भाजपा ने नहीं तो सीधे ठाकुर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड ने किया है, कैसे देखते हैं इन आरोपों की ओर? भारतीय जनता पार्टी में लीनागढ़ जी लगभग 2014 से है। अभी उनको पार्टी के खिलाफ जो उन्होंने सारी गतिविधियाँ की हैं उसके लिए उनको पार्टी से सस्पेंड किया गया है उनका मेंबरशिप। अब ये सारे पीरियड में लगभग 7 सालों में उन्होंने पार्टी का कितना काम किया है और पार्टी की गतिविधियों को उन्होंने क्या समझा है, ये मेरे सामने सवाल है। उनका हम पर जो इल्ज़ाम लगाना है वो कि उनकी व्यक्तिगत मंशा को लेकर है, वो व्यक्तिगत मंशा उनकी पूरी नहीं हो पाई और इसका लेकर वो अलग अलग तरीके के इल्ज़ाम लगा रही है। अब चूँकि वो पार्टी से सस्पेंड हो चुकी है उनकी मेंबरशिप, अब ये ऐसे आरोप करेंगी तो मैं उसका समझता हूँ कि उसका ज़्यादा जवाब देना मैं मुनासिब नहीं समझता। भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से काम करती है इनका उनको जो ज्ञान है उसके आधार पर उन्होंने शायद ये इल्ज़ाम लगाए। मगर उनका ये भी सवाल है कि पार्टी के विरोध में मैंने कब ऐसा काम किया, वो खुलकर मतलब ठाकुर परिवार बताए, मगर ये सीधा सीधा क्यों नहीं कहते हैं कि मैंने कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ विरोध में आवाज़ उठाई जिसकी वजह से ये निलंबन की कार्रवाई मुझ पर हुई? प्रॉपर्टी टैक्स रिलेटेड अगर कोई आवाज़ उन्होंने उठाई थी तो आवाज़ क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्य थी, भारतीय जनता पार्टी से चुनकर आई थी, तो भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप के पास वो जा सकती थी। आज जो ठाकुर परिवार को लेकर वो सारी बातें पिछले कुछ समय से कर रही है, वो ठाकुर परिवार अगर ये टैक्स के बारे में कुछ कर रहा है ऐसा अगर उनका कहना था तो पार्टी के सीनियर लीडर्स के पास उस वक्त वो क्यों नहीं गई, इसका जवाब भी तो मिलना चाहिए। सर, इसके अलावा उनका ये भी आरोप है कि कहीं ना कहीं जिन्होंने कई बार पक्ष बदले हैं अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, वह पक्षनिष्ठा क्या होती है वह हमें ना सिखाएं तो बेहतर होगा। अभी वो खुद एक संस्था की अध्यक्ष है और पार्टी के इंटरेस्ट के ऊपर उन्होंने अपने उस संस्था का इंटरेस्ट रखा, वो कैसे फैलेगा, उसको पब्लिसिटी कैसे मिलेगी, इसके लिए उन्होंने हरदम प्रयास किए। और भारतीय जनता पार्टी का आज मैं जिले का अध्यक्ष हूँ तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं क्या कर सकता हूँ ये बोल के दिखाना ये मेरी फितरत नहीं, ये हमारे संस्कार नहीं। अब इसके बावजूद इससे ऊपर जाना यानी उनके जो विधान है उनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना मैं नहीं समझता कि वो ज़्यादा ज़रूरी है। आपने उनकी संस्था का जिक्र किया है, उनकी संस्था हाल ही में उच्च न्यायालय में उन्होंने रिट पिटीशन भी दायर की है प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर, कैसे देखते हैं इसकी ओर? ठीक है, उन्होंने अपनी एक संस्था के माध्यम से उच्च न्यायालय में कुछ मांग की है, उसका निर्णय आएगा। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोगों के माध्यम से इस पनवेल शहर के लोगों को जो जो सुविधाएं दे सकते हैं वो देने के लिए लोगों ने चुने गए हैं कॉरपोरेटर्स सारे, तो मैं समझता हूं कि उन सारे कॉरपोरेटर्स का ये ज़िम्मा है कि कॉरपोरेशन के माध्यम से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे सुविधाएं दी जाए, तो उसके लिए टैक्स एक ज़रिया है और जो जिसका अधिकार इस देश की घटना ने हर एक स्थानीय स्वराज्य संस्था को दिया है जैसे कि पनवेल कॉरपोरेशन को दिया है, उसमें कम से कम टैक्स लगे इसके लिए कोशिश तो भारतीय जनता पार्टी ने भी की, लेकिन टैक्स कितना लगना चाहिए क्या लगना चाहिए इसका प्रस्ताव प्रशासन से आया था जो सही लगा और जो जिससे प्रशासन मजबूती से काम कर सके, ऐसी एक स्थिति बने और लोगों को भी ज़्यादा टैक्स ना लगे, ये विन विन सिचुएशन किससे आ सकती है, इसका प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया हुआ है।
अब ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ओर से करते वक्त अगर इसमें कई कुछ खामियां उनको लगती है, वो कोर्ट में गई है, तो उनको शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे भाजपा के विधायक प्रशांत ठाकुर, जिन्होंने अब सीधा आरोप किया है कि लीना गरुड़ जो है उन्होंने पार्टी या भाजपा के लिए काम नहीं किया बल्कि अपनी संस्था को बड़ा करने का काम किया है। कैमरा पर्सन राजू शर्मा के साथ गंगा सिंह राजपुरोहित, ईडब्ल्यू नेटवर्क।